सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिश से दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। खुशी का पहला उपाय, पिछली बातों पर बहुत अधिक विचार करने से बचें। जीवन में पछतावा करना छोड़िए, कुछ ऐसा करिए कि आपको छोड़ देने वाले पछताए। आज का पंचांग 1 सितंबर 2021 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, सुबह 6:22 तक रहेगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र दोपहर 12:34 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:26 से 2 बजे तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। मीन राशि 1 सितंबर 2021 दिन बुधवार, आपके घरेलू मामलों पर चर्चा करने के लिए शायद कुछ मीटिंग की जरूरत हो सकती है। आप अभी पारिवारिक मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी बड़े स्तर की योजना पर निर्णय ले सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं। आज अपने आवेगों पर कम नियंत्रण होने के कारण आप उदास महसूस कर सकते हैं। आपको केवल अपने लिए कुछ समय चाहिए ताकि आप सोच सके और समस्याओं को हल कर सके। अपनी पिछली सफलताओं को उपलब्धियों के बारे में विचार करें और इन समस्याओं से निकलने का रास्ता आप स्वयं ही बना लेंगी। आज दोपहर बाद परिस्थितियां आपके लिए कुछ अप्रत्याशित लाभ उत्पन्न कर रही है। अगर कोई कोर्ट के संबंधित मामला चल रहा है तो आज उसका फैसला आपके हक में हो सकता है। किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा आपको उपलब्धि भी हासिल होने वाली है। किसी निर्णय तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं या हर एक बात में कन्फ्यूजन महसूस हो रहा, तो अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा और सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत होगी। साथ में अपने स्वभाव और विचारों का भी अवलोकन करके खुद में बदलाव लाने की कोशिश करें। जितना आप खुद के प्रति रखा व्यवहार सुधारेंगे उतनी बातें आसान तरीके से होती हुई नजर आएगी। वरिष्ठ अधिकारियों से काम से संबंधित बातों को मान्यता प्राप्त होगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। पार्टनर के द्वारा कमिटमेंट पाने के लिए उन पर अधिक दबाव ना डालें। सावधानियां, आय के साथ साथ व्यय की भी स्थिति रहेगी। अपने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। अपनी कोई भी योजना किसी के समक्ष शेयर ना करें, अन्यथा आपको ही हानि का सामना करना पड़ सकता है। युवा वर्ग, घूमने फिरने में अपना समय व्यतीत करके अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। दिल के मुद्दों को लेकर आप पूरी तरह से बेफिक्र हैं, क्योंकि आपको अपने इस संबंध और अपनी साथी पर पूरा विश्वास है। किसी खास का प्यार पाकर आप स्वयं को भाग्यशाली महसूस करेंगे। इस प्यार से मिले इंद्रधनुषी रंग आपका जीवन संवार लेंगे। आप यह बात अच्छे से जानते हैं कि अपने साथी का हाथ थाम कर सारा जहां आप जीत सकते हैं। आपकी भावनाएं आज आप पर हावी होगी, जिससे कुछ उदासीन महसूस करेंगे। कुछ समय अपने और अपने साथी के बीच की गलतफहमियों को दूर करने में व्यतीत करें। यह समय मुश्किल जरूर है, किंतु समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने काम में अव्यवधान से उदासीन महसूस कर सकते हैं। घर या घरेलू मामलों में समय व्यतीत होगा, साथ ही पिता की समस्याओं को भी सुलझाएंगे। मिट्टी पानी या कृषि से संबंधित कार्य आज पूरे होंगे। जीवन में गलतियां ना ढूंढे बल्कि उनके उपाय ढूंढे। यह दिन आपके लिए कुछ खास लेकर आया है।
आज आप जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों महसूस करेंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अपनी नीतियों और शोधों को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। नौकरी में किसी अप्रत्याशित घटना की संभावना है, मौके का फायदा उठाएं और एक समय में एक ही कार्य करें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। इस समय लापरवाही न करके तुरंत इलाज कराएं। यूरिन इन्फेक्शन की तकलीफ भी हो सकती है। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ाए शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।